तो सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या सीखना है, हमारा सीखना है आज का कि सिंपल राइट योर कोड, या पहले तो ये भी सीख लेना है डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस। जैसे हमने इसका डाउनलोड करना सीखा तो मुझे नोटपैड प्लस प्लस को भी डाउनलोड करना होगा। नोटपैड रहता है लेकिन नोटपैड प्लस प्लस नहीं रहता। नोटपैड प्लस प्लस का क्या क्या खास बात है, कलरफुल है, हिंट्स देता है, सबसे बड़ा चीज़ है ये हिंट्स देना। हम स्पेलिंग अगर ओ छोटा होगा, कैपिटल होगा, स्मॉल होगा, अगर ये सब नहीं पता है तो हम लोग लिखेंगे तो हिंट्स दे देगा। ठीक है, राइट फर्स्ट कोड। उसके बाद हम लोग सीखना है कंपाइल कैसे करते हैं और रन कैसे कराते हैं, ये सब कुछ एक साथ। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्लास का कोड। तो चलो सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस को कैसे डाउनलोड करते हैं। नोटपैड में होगा ब्लैक एंड वाइट, आपका खुद का कोड में खुद उलझ जाने वाले। नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड फॉर विंडोज 10 या विंडोज 7, जो भी आपको डाउनलोड करना है क्लिक। बहुत ही इजी है, 32 बिट का ही है, 64 बिट का इसमें रहता नहीं है। 64 में भी चलेगा, 32 में भी चलेगा, इसलिए अच्छा है। क्लिक। दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं, अगर दिया होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। एक तो बहुत ही अच्छा है, 64 बिट अगर है तो उसी को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, इंग्लिश नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। एक कुछ गौर किए या नहीं, नहीं ठीक है, 64 का ही है। ठीक है, ऐड शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप, बहुत ही सिंपल है, बहुत फास्ट भी है। ठीक है, इसको लेके भी दिमाग नहीं लगाना है मुझे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करने वाले हैं हम लोग कि उसको, ये तो डाउनलोड किया हुआ है, ये वाला मुझे नहीं चाहिए, ये तो हो गया डिलीट। अब मुझे सेटअप हो चुका है, अब मैं कोड लिखने वाला हूँ। चलिए, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, ये सब जो है सबसे पहला काम रहेगा फाइल में जाके एक नया फाइल बनाना। ठीक है, कैसे लिखना है, ध्यान से, क्लास एक कीवर्ड है, क्लास का नाम, क्लास का नाम जो लिखना चाहते हो वो लिखिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा सी छोटा एफ बड़ा, बोला ऐसा क्यों, क्योंकि ये कीवर्ड है, ये क्लास का नाम है। ठीक है, कंट्रोल एस डेस्कटॉप, क्या नाम देंगे, जो मेरे प्रोग्राम में क्लास का नाम होगा उसी नाम से हम फाइल को भी सेव करेंगे। जिनका भी पहला क्लास मिस होगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखिए कलर कितना अच्छा से चेंज हो गया, समझ में भी आ रहा, कीवर्ड अलग है, क्लास का नाम अलग है। क्या सी कैपिटल कर सकते हैं, लीजिए, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, एरर ब्लैक में दिख गया, समझ में आ गया कुछ गलती हुआ है हम लोगों से। अच्छा, इसके बाद क्या क्या हम दिमाग में रखे थे, void main नाम का फंक्शन। तो इसमें मेन फंक्शन हमेशा क्लास के अंदर होता है, मेन नाम का फंक्शन। क्या कंपाइल होगा, तो बोला नहीं, अगर ये बाहर कर देंगे तो ये C++ का कोड हो गया, अगर इसको अंदर कर दिए तो ये जावा का कोड हो गया, इतना डिफरेंस हो गया। तो क्या क्लास के अंदर किसी भी एलिमेंट को हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, तो नहीं, एक्सेस करने के लिए आपको पब्लिक भी बनाना होगा। क्या एक्सेस कर सकते हैं, तो नहीं, अभी भी नहीं। स्टैटिक भी बनाना होगा, स्टैटिक मतलब डिफॉल्ट, सब कीवर्ड है, कलर एकदम सेम कलर है। ठीक है, तो पब्लिक भी कीवर्ड है, स्टैटिक भी कीवर्ड है, वॉइड भी कीवर्ड है। ठीक है, मेन फंक्शन का नाम है इसलिए वो ब्लैक। ठीक है, अब आते हैं क्या हम मेन फंक्शन के अंदर से मेन फंक्शन कॉल कर सकते हैं, बोला वो भी कर सकते हैं, तो इसीलिए आर्गुमेंट भी पास करा सकते हैं, ये भी मैं बताया हुआ है। ठीक है, और जितना मर्जी उतना आर्गुमेंट पास करा सकते हैं। और स्ट्रिंग डेटा टाइप का सबसे बड़ा खास बात होता है कि आप इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर कुछ भी ले सकते हो, तो बेटर तरीका है आर्गुमेंट पास करना, स्ट्रिंग ARGS। बोला इसको क्या बोलते हैं, ये तो वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हो, क्लास का नाम कुछ भी लिख सकते हो, बट लेकिन जो भी लिखेंगे फाइल का नाम उसी नाम से सेव करना होगा। मतलब यहाँ पे किसको चेंज कर सकते हैं, एक इस वर्ड को क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड है, एक ये है,
क्या इसको चेंज कर सकते हैं, एस छोटा है? तो बोला नहीं, एस कैपिटल ही लिखना होगा क्योंकि स्ट्रिंग क्लास नेम है, प्री डिफाइंड है, ठीक है। बोला गया और कुछ, एक बार हो गया कोड, अभी लिखने का जरूरत नहीं है, एक बार बिना स्टैटिक लगा के देखते हैं, स्टैटिक लगा के देखते हैं दोनों में। मतलब क्या है ये आर्गुमेंट्स, जो भी आप पैरामीटर, आप फंक्शन जब पढ़े होंगे सी में, आपको पता होगा जब भी कोई हम फंक्शन कॉल करते हैं, जो भी हम पैरामीटर पास कराते हैं, इसको बोलते हैं, पास करने वाले को पैरामीटर बोलते हैं और रिसीव करने वाले को आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, मुझे वेरिएबल का लगकर मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोले थे यहाँ आप ये सब कंपनी में काम आता है, तो जिसका मन जो मन मत रखना, कोशिश यही रखना है स्टैंडर्ड रूल फॉलो करना, ठीक है। अब आते हैं क्या कंपाइल कैसे करते हैं, ये तो हुआ कोड कैसे लिखते हैं कंपाइल। पहले सुनिएगा ध्यान से, आप फाइल कहाँ पे है वो पता कीजिएगा, फाइल कहाँ पे है, सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, AICT कोलकाता के अंदर, डेस्कटॉप के ऊपर, first.java CMD ओपन कीजिए, ये DOS है, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लगे अभी आप कहाँ पे हो, सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, AICT कोलकाता के अंदर, आपको कहाँ पे जाना होगा, सबसे पहले डेस्कटॉप के ऊपर, CD चेंज डायरेक्टरी डेस्कटॉप, अगर बाहर निकलना है तो ड्राइव चेंज करना है तो ई ड्राइव, जहाँ पे भी आप सेव कर सकते हो, CD स्पेस यूजर्स, CD स्पेस AICT स्पेस कोलकाता, CD स्पेस डेस्कटॉप, हम ठीक है। अब लास्ट बचा हुआ है जावा सी, जब डेस्कटॉप पे पहुंच गया, अब मेरा फाइल मिल गया, डेस्कटॉप के ऊपर ही फाइल जो है, तो जावा सी, उसको first.java कंपाइल करो, कंपाइल तो हो गया, अगर बिना स्टैटिक लगा के करते हैं तो, हर एक्सपेरिमेंट मार लीजिए सारा चीज़ लगे, फिर से कंपाइल किया तो कंपाइल में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब रन कराना है, ठीक है। कंपाइल में अच्छा पब्लिक मत लिखिए, तो अब हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट मार लीजिए, मतलब पब्लिक का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा इसका देखते हैं, स्ट्रिंग ARGS मत लिखिए, तो तब भी ज़रूरत नहीं है, मतलब ये सब का सब रन टाइम में पकड़ने वाला है, ठीक है। कंपाइल टाइम में बस क्लास, अच्छा जैसे हम कंपाइल करते हैं कोई भी .java फाइल को, कहाँ गया .java फाइल जी मेरा, यही जो इस बार डिलीट मार कर दिखाते हैं, फर्स्ट है कहाँ, फर्स्ट राइट क्लिक, शॉर्ट बाय नेम, यही है फर्स्ट, छोड़िए, ठीक है। यहाँ पे कुछ और डाल देते हैं, तो जैसे हम किसी भी फाइल को कंपाइल करते हैं, गलत है सही हो तो बाद की बात है, एक कोड में तो गलती नहीं है, वो क्लास फाइल एकमात्र ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, लेकिन जब रन कराते हैं, अब रन कराने की बारी अब आई, जावा स्पेस फर्स्ट, एरर मार दिया, क्या मेन फंक्शन नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि पब्लिक नहीं है, सबसे पहले तो पब्लिक नहीं है, ठीक है। अब कैसे लिखना है ये भी बता दिया खुद से, ठीक है। तो चलिए पहले पब्लिक कीजिए, एक एक करके शुरू करते हैं, इसको पहले हटाइए, ठीक है, पहले पब्लिक कीजिए, कंपाइल रन, मतलब अभी भी नहीं मिला उसको, क्यों, क्योंकि अभी भी स्टैटिक नहीं है, ठीक है, स्टैटिक नहीं है, लेकिन इसको मत पास कराइए, हर चीज़ अगर समझ में आ जाएगा, बस एक ही क्लास तो लगेगा इसके लिए अलग से, कंपाइल रन, अभी भी क्योंकि वो आप पैरामीटर नहीं है, ठीक है, मतलब ये सब कुछ रन टाइम में पकड़ रहा, ठीक है। जैसे ये कौन पकड़ कौन रहा है, JVM जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, CLS, ठीक है, आउटपुट मतलब काम कर गया मेरा, तो ये सब आपको जितने भी चीज़ें थी सब का सब लगे। अब आता है क्या प्रिंट फंक्शन, फंक्शन का नाम प्रिंट फंक्शन ही है, जो कि किसी हेडर फाइल में मौजूद है, तो या तो उसको इंपोर्ट करो तब भी चलेगा, सी में भी तो इंपोर्ट करने से हैश include studio.h प्रोग्राम का साइज़ कितना बढ़ जाता है,
चार लाइन का प्रोग्राम 365 लाइन दिखाता है। बोला इसीलिए यहाँ पे हम लोग इम्पोर्ट का इस्तेमाल नहीं करते, सिस्टम क्लास के अंदर स्टैटिक एक मेंबर है आउट, उसके अंदर प्रिंट बोल के फंक्शन है। एक बार फिर से कंपाइल, फिर से रन, आई आउटपुट आ गया। ठीक है, लगे ठीक है। अगर मैं प्रिंट ln यूज़ करता तो लास्ट क्लास में मैं यही सब समझाया था। एक नीचे दोनों में क्या डिफरेंस है, ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंटर मार दिया। तो क्या हम सर यही इस्तेमाल करना होगा या फिर मैं ये भी इस्तेमाल कर सकता हूँ? ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको मेहनत करना है मेहनत करे। सी में भी तो मेहनत करना पड़ता था, लेसन आपको लगाना पड़ता था। यहाँ पे दोनों फंक्शन जिसको मर्जी जो वो यूज़ कर सकता है। तो प्रिंट फंक्शन भी है, प्रिंट एलन भी फंक्शन है। कोड का साइज़ बहुत ही कम और बहुत ही फास्ट है, क्योंकि ये JIT कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। मतलब जितना स्पेस बढ़ जाता है, बिल्कुल काउंटिंग हो जाता है यहाँ पे। एक एलन में तो एक ही स्पेस है। हाँ ठीक है, नहीं दो तीन एलन नहीं 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 नहीं, दो तीन अगर देना होगा तो आपको ऐसे देना पड़ेगा। एक खाली बाय डिफॉल्ट है, लोगों को एक ही जरूरत पड़ता है ना, इसलिए एक बाय डिफॉल्ट है फंक्शन के कारण। ठीक है, तो ये हुआ मेरा जो बेसिक चीज़ें था। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ऑनलाइन इंद्रानी? ठीक है ठीक, चलिए अब लास्ट क्लास का सुनिए। तो हमने सबसे पहले सिखाया था कोडिंग का अप्रोच क्या होता है, कोडिंग सीखने का तरीका। कोडिंग का सीखने का तरीका सबसे पहले शुरू कैसे करते हैं वो सीख गए। ठीक है, दूसरा जो चीज़ सीखना है वो है कि हम मैसेज कैसे प्रिंट कराएंगे, ऐसे ऐसे कैसे प्रिंट कराएंगे, ऐसे ऐसे कैसे प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो ये भी आराम से सीख जाएंगे, हम लोगों को कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो प्रिंट एलन यूज़ कीजिए। चलिए हाय प्रिंट एलन, हेलो हेलो, बस दो लाइन में दो चीज़ प्रिंट करेंगे, कंपाइल रन। बहुत ही आसानी से मेरा दोनों चीज़ प्रिंट भी हो गया। मतलब पास पास में कैसे तो मत यूज़ कीजिए, एक में मत यूज़ कीजिए, एक दोनों में मत यूज़ कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर से कंपाइल, हर बार कंपाइल, हर बार रन। ठीक है, तो वो पास पास में भी प्रिंट हो जा रहा। ठीक है, ये मैंने सबसे पहले सिखाया था। उसके बाद सिखाया वेरिएबल कितने टाइप के हैं। मतलब वेरिएबल कितने टाइप के, पहले वेरिएबल क्या होता है जिसका वैल्यू वेरी करता हो, या फिर हम आपको बताना क्या चाहते हैं डेटा टाइप कितने टाइप के हैं, डेटा टाइप इन जावा। तो एक डेटा टाइप है इंटीजर टाइप, एक है फ्लोट टाइप, एक है कैरेक्टर टाइप, और एक है क्या चीज़ है, डबल टाइप। बोला गया इंटीजर एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब इसका सबसे बड़ा खास बात है कि जावा में 4 बाइट होता है इंटीजर का रेंज, सी में 2 बाइट होता है, बहुत ही कम होता है। फ्लोट में कैसे लिखना पड़ता है, 5.2f लिखना पड़ेगा तब जाके फ्लोट, इसका भी साइज 4 बाइट, डबल में 4.2, जो भी 5.2 4 बाइट। तो मतलब यहाँ पे ये वाला इस्तेमाल नहीं किया जाता, डबल यूज़ किया जाता है फ्लोट के लिए, लेकिन आप इस्तेमाल फिर भी कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। अच्छा, बोला गया कैरेक्टर 2 बाइट, ये सब थोड़ा सा साइज़ भी आपको याद रखना पड़ता है। स्ट्रिंग, क्या स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो बोला नहीं, स्ट्रिंग जो है क्लास का नाम है, स्ट्रिंग डेटा टाइप बोल के कुछ नहीं होता। ठीक है, वेलकम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सी में था स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो बोला नहीं, कैरेक्टर टाइप एरे को स्ट्रिंग बोलते थे, स्ट्रिंग डेटा टाइप बोल के कुछ नहीं था सी में भी। चलो देखते हैं कैसे हम वेरिएबल लिखते हैं और कैसे उसको प्रिंटिंग कराते हैं। सबसे पहले वेरिएबल लिखना सीखिए। ठीक है, और इसमें काफ़ी खूबसूरत भी लगता है, इसलिए मैं नोटपैड प्लस प्लस नोटपैड रहता तो अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट में ही हम लोग खुद का कोड में खुद उलझने। प्लस ये देखिए, ये जो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, मैंने जो कितना अच्छे से लग रहा है कि नहीं भाई किसके अंदर क्या है। प्लस ये तो मेरे लिए बहुत कमाल का चीज़ है, साफ सुथरा। एक क्लास कहाँ से कहाँ तक बंद है, मेन फंक्शन कहाँ से कहाँ तक बंद है, बहुत ही कमाल का चीज़ है। इंट एक्स इज इक्वल्स टू 45, int y is equals to, sorry int नहीं, float
float y is equals to 3.2 f, ठीक है, char z is equals to w, ओके, string s1 is equals to welcome double data type is equals to कुछ भी जो भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है, डबल सॉरी वेरिएबल का नाम ही नहीं लिखे, कोई भी वेरिएबल का नाम लेते हैं, पी नाम का वेरिएबल बोला गया। प्रिंटिंग कैसे करेंगे, वेरिएबल कैसे प्रिंट कराते हैं, बोला बहुत ही इजी है, सी की तरह नहीं है कि परसेंट डी लगाओ परसेंट एफ लगाओ, इतना झमेला नहीं है, बहुत ही आसान है। तो चलो देखते हैं एक्स को प्रिंट करा के वाई को प्रिंट करा के बाद बाकी को बाद में प्रिंट कराएंगे। कंपाइल करना सी एल एस, पहले कंपाइल रन 45 3.2, बोला क्योंकि मेरा स्लैशन नहीं लगा हुआ इसलिए चिपक गया, फिर से कंपाइल, फिर से रन, नीचे नीचे आ गया, ठीक है, बोला ठीक है, मतलब फ्लोट भी सपोर्ट करता है, बस एफ लिखना पड़ता है। आप बिना एफ लिख के एक बार करके देखिए कि कुछ गड़बड़ भी होता है या फिर फालतू का, पकड़ लिया, बोला लूजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, मतलब काम नहीं करेगा क्योंकि ये बाई डिफॉल्ट डबल डेटा टाइप सपोर्ट करता है, ठीक है। चलो देखते हैं जेड एस वन, एक बार एक एक करके प्रिंट करा के देख लेते हैं सब कुछ प्रिंट होता है कि नहीं, फिर से कंपाइल, फिर से रन, डब्ल्यू और वेलकम, लास्ट है पी। चलिए एस वन एक में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कंपाइल और फिर से रन, 5.6 और वेलकम, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमको क्या क्या दिमाग से हटाना है, सबसे पहले ये हटाना है, दूसरा बात भाई कुछ नहीं, आपके पास मेन चार ही डेटा टाइप है, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन सर कुछ ऐसा तरीका नहीं है जिसमें एक साथ प्रिंट करा सकते हैं क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो प्रिंटिंग करना, बोला कि कैसे प्रिंट कराएंगे एक साथ, तो ये भी हम लोग सीख लिए हैं। कैसे देखते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा सॉरी वाई तो हट गया, जेड कॉमा एस वन कॉमा पी, क्या लिख सकते हैं, पहले लिखिए, गलती कीजिए उसके बाद समझ में आएगा। लंबा चौड़ा एरर मार दिया, ठीक है, और क्या लिखा है, मेथड नॉट एप्लीकेबल, मतलब गलत तरीका है, तब मतलब यहाँ पे ये नहीं यूज़ होता, यहाँ पे क्या यूज़ होता है, प्लस ऑपरेटर कॉन्कैटिनेशन के लिए, स्पेस प्लस प्लस, फिर से मतलब ये कैसे कोडिंग कर रहे हैं आप, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत गड़बड़ होने का चांसेस रहता है, ये तो कलरफुल है इसलिए ठीक लग रहा है, कलरफुल नहीं रहता तो आपको गलती समझ में आता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल एक स्ट्रिंग, फिर से प्लस, फिर से वेरिएबल, फिर से स्ट्रिंग, फिर से वेरिएबल, इस तरह से करके कोडिंग किया हुआ है। तो एक वेरिएबल प्लस ये बीच में स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर आप स्पेस लिखिए कॉमा लिखिए वो आपकी मर्जी है, ठीक है। क्या हम कर सकते हैं देखते हैं, कंपाइल, ओह सॉरी कंपाइल रन, तो 445 W वेलकम और 5.6 काम किया, तो इतना तो समझ में आया कि हम लोग स्पेस नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, चिपक के आएगा। ओह अच्छा अच्छा ठीक, चलिए देखते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि सर ये नहीं दिए, ठीक है, और सीधा सर अगर मैं ऐसे लिखूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स प्लस वाई, ये जुड़ जाएगा, ठीक है, बोला वाई तो है ही नहीं पहले जेड, बोला जेड क्या कैरेक्टर के संग कई कोई इंटीजर जुड़ सकता है, तो नहीं एरर मार देगा, हाँ वो चल जाएगा पहले, लेकिन गलती कर लीजिए उसके बाद आपको याद रह जाएगा वो चीज़, पहले गलती होने दीजिए उसको। कंपाइल पास हो गया क्योंकि कंपाइल टाइम में उसको पकड़ा ही नहीं, रन, मतलब एक मिनट ये आउटपुट क्या आया,
आउटपुट। ओके ओके ओके, एक्चुअली में क्या हुआ समझा दे रहे हैं, क्यों पास हो गया ये, क्या आंसर आया भी, x का वैल्यू 45 था, कुछ आया कुछ और, ठीक है, मतलब आंसर कैसे ये गड़बड़ी हो सकता है पहले वो सोचिए, ठीक है। बिल्कुल सही बोले कि ये क्या किया, x का तो वैल्यू जोड़ा और w का ASCII कोड जोड़ दिया, तो w का ASCII कोड कितना होता है, स्मॉल z का होता है 122, स्मॉल z का, ये स्मॉल w है, तो xyz तो 19 के आसपास, तो 119 के आसपास, तो 119 प्लस 45 कितना होता है, वही आया है, ठीक है। अच्छा बोला कि सर ठीक है, ये तो ठीक है, ये बीच में गलती से कोई स्ट्रिंग घुस गया है इसलिए सब कॉन्कैटिनेट हो गया, अगर ये नहीं रहता तो सब जुड़ के आंसर आता, बस एक और छूट गया ना इसलिए ये बच गए हो आप लोग, ठीक है, इसलिए बोले गलती करिए, गलती करिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। ये तीनों को जोड़ दिया पूरा, ठीक है, तो बोला कि मतलब एक्चुअली तो आंसर नहीं आया, गलत हो गया कुछ, ठीक है, तो कैरेक्टर का ASCII कोड ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाता है, मतलब अलग से कुछ लिखना नहीं पड़ता, हम डायरेक्टली अगर प्रिंट कराना चाहें तो प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। देखिए कॉन्कैटिनेट तो हो ही गया, जुड़ गया ना, अच्छा टाइप कास्टिंग हम बाद में समझाएंगे, अभी फिलहाल हमको जुड़ गया, लगा कि सर मुझे अगर कुछ बीच में चाहिए नहीं तो झूठ मूठ कर डालिए ना, लेकिन जाली है, हमको ओरिजिनल चाहिए, लेकिन झूठ मूठ का आपको वो डबल कोट लिखना ही होगा, आपके पास और कोई चारा नहीं है, सिंगल कोट लिखने से नहीं काम चलेगा। तो देखिए 45W और 5.6 और बीच में कॉमा दीजिएगा तो कॉमा प्रिंट होगा, कॉमा नहीं दीजिएगा नहीं कॉमा प्रिंट होगा, कंपाइल रन तो बीच में कॉमा भी प्रिंट हो गया, ठीक है, ओके ना। तो सी में आप पाइथन में क्या क्या सॉरी हाँ सी में और जावा में क्या डिफरेंस आपको दिखा, सी में यही चीज़ आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर याद रखना पड़ता था, वो सब हट गया, ठीक है, ठीक ओके। एक्स का वैल्यू नीचे प्रिंट कराने के यहीं पे स्लाइसर मार दीजिए ना, हाँ बस हम दो का हम चाहते हैं एस वन और पी एक साथ रहे, लेकिन ये दोनों नीचे नीचे देंगे, वो तो मेरे ऊपर है पूरा कि हम कैसे चाहते हैं। देखिए 45W ये बोला स्पेस कहाँ से आ गया, क्योंकि आपका गलती से स्पेस है इसीलिए वो स्पेस टो ले लिया है, वरना एकदम जेन्युइन आता, एक तो स्पेस यहाँ पे भी एक्स्ट्रा है, ठीक ना। तो आपके पास सारा टूल्स दिया हुआ है जावा में, जितने भी आप हाई लेवल लैंग्वेज जितने भी आप देखो, पाइथन हो, पाइथन तो सबका चोरी करके बनाया हुआ है, PHP का अच्छा चीज़, जावा का अच्छा चीज़, सबका मतलब अच्छा चीज़ बोला जाए, C++ का भी अच्छा चीज़ कुछ है, ठीक है, आउटसाइड एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है, तो वो सब चीज़ें आपको पाइथन में मिलेगा, सबका अच्छा चीज़ को निकाल के एक बना लिया, ठीक है। तो ये है आपका एक्चुअली, अगर सच में हाई लेवल लैंग्वेज सीखना है तो आपको जावा ही सीखना चाहिए, ठीक है, बाद बाकी से ज़्यादा डेप्थ में समझ में आएगा। इसके बाद मैंने क्या सिखाया था, ये सब समझाने के बाद तीसरा स्टेप बताया था, वो है कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल हो गया, टाइप्स ऑफ वेरिएबल नहीं, ये हुआ क्या चीज़ हम बताए, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल नहीं हुआ, बोला गया टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। अब आता है कौन सा वाला चीज़, तो टाइप्स ऑफ क्या चीज़ वेरिएबल, बोला कितने टाइप के थे, हमने बोला था एक लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल, एक स्टैटिक वेरिएबल और एक फिक्स्ड वेरिएबल, ये लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। सी में भी चार टाइप के ही रहते हैं मेनली, ठीक है, चलो एक बार देखते हैं कैसे। मतलब अगर मैं एक वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, प्रिंट एलएन एक्स, क्या हम किसी दूसरे फंक्शन में पास करा सकते हैं, void
फंक्शन का नाम कुछ भी है, क्या हम दूसरे फंक्शन में x को यूज़ कर सकते हैं? तो बोला नहीं, क्योंकि लोकल है, लोकल सिर्फ आपका स्कोप यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा। ये देखिए इसका स्कोप है, ठीक है, तो स्कोप यहाँ से यहाँ तक, क्या हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं? तो बोला हाँ, और फिर से प्रिंट करा सकते हैं इंक्रीमेंटेड वैल्यू, वो भी हाँ, ठीक है। तो ये जो जो चीज़ कर सकते हैं वो तो कर दिया। एक बार कंपाइल कीजिए, CLS कंपाइल, कंपाइल टाइम में पकड़ लिया कि अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल x, इसमें कोई x नाम का सिंबल नहीं मिल रहा। कोई दिक्कत नहीं, हम अभी बस छोटा सा चीज़, अब पास कर गया, ठीक है। मतलब ये हुआ लोकल वेरिएबल, अब आते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या, ग्लोबल वेरिएबल को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? अब प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबल तो है लेकिन नॉन स्टैटिक है। प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हुआ कि नॉन स्टैटिक एलिमेंट क्या स्टैटिक के अंदर यूज कर सकते हैं? तो नहीं, ठीक है, लेकिन नॉन स्टैटिक कर सकते हैं? तो हाँ, सेम सेम में कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। प्लस प्लस कर सकते हैं, तो वो भी हाँ, ओके। क्या दोबारा प्रिंट करा सकते हैं? तो बोला वो भी हाँ, चलिए देखते हैं, वो भी हाँ। इंक्रीमेंटेड वैल्यू भी हम प्रिंट करा सकते हैं इसमें, ओके। पहले इतना दूर तक देखते हैं, कंपाइल पास, मतलब ठीक है। लेकिन क्या ग्लोबल को मैं स्टैटिक के अंदर यूज़ कर सकता हूँ? पहले तो खाली यूज़ कीजिए ना, इंक्रीमेंटेड दूर की बात है, यूज़ कीजिए, टक से एरर मारेगा, y के जगह पे ही एरर मार दिया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल y कैन नॉट रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट इसको बोलते हैं, स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, कि कोई भी स्टैटिक फंक्शन से नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। स्टैटिक मतलब होता है डिफॉल्ट, ऑटोमेटिक कॉल हो जाए, ठीक है। स्टैटिक करने का यही फायदा है जावा में, ठीक है। स्टैटिक मतलब हो गया कि एक तरह से मैं इसको पहचानता हूँ, ये डायरेक्टली कॉल हो जाए। जैसे आप खुद भी सोचिए ना, अब AICT में एग्जांपल बता रहे हैं, आने के लिए मुझे तो कोई रोकेगा नहीं, आई कार्ड भी झुलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यही कोई नया बंदा आ गया तो ज़रूरत पड़ ही सकता है, हम अगर सिक्योरिटी कार्ड लगा दिए आई कार्ड, तो मतलब ये चीज़ होता है, कुछ लोग डायरेक्टली घुस सकते हैं, ठीक है, मैंने VIP वाला पास, ठीक है। तो जो स्टैटिक रहेंगे वो VIP पास वाले हैं, ठीक है, जो नॉन स्टैटिक रहेंगे वो VIP नहीं है, उनको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के। तो वो मैं बाद में समझा रहा हूँ, हो सकता है क्यों नहीं, लेकिन वो स्टैटिक कहलाने लगेगा ग्लोबल, वही तो मैं तीसरा। तो क्या हम एक ग्लोबल वेरिएबल जो कि नॉन स्टैटिक है, क्या हम स्टैटिक फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं, एरर है, तो इसको मैं कमेंट मार देता हूँ, ये काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा के तब आप डिक्लेयर कीजिए ना। तो ये भी ग्लोबल ही है जिसको हम लोग, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं, स्टैटिक ग्लोबल बोलना चाहिए, स्टैटिक ग्लोबल बोल सकते हैं, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है क्लास वेरिएबल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है वेरिएबल, कि क्यों इसको क्लास वेरिएबल बोला जाता है, वापस समझिएगा। क्या एक नॉन स्टैटिक स्टैटिक के अंदर आ सकता है? तो बोला नहीं, लेकिन क्या एक स्टैटिक नॉन स्टैटिक के अंदर आ सकता है? अब वो समझना है मुझे, देख लेते हैं। जेड मेरा, क्योंकि इसको बोलते हैं क्लास वेरिएबल, क्लास के अंदर कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, क्या इसमें भी, मतलब इसमें भी बिल्कुल सेम तरीके से ही, ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब वापस जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल से समझाया था, यहाँ पे एग्जांपल से समझाया था, कुछ सिंपल सा एग्जांपल था, ये गरीब के लिए बताया था ना शायद, है ना,
ये गरीब था, वो अमीर था, जो भी था, ये अमीर का, अमीर मतलब रिच, छोड़िए इंग्लिश, रिच पर्सन है, सिंपल सी बात है। मान लीजिए जो भी कम्युनिटी हो, ठीक है, मतलब अगर गरीब वाला ही पूरा मोहल्ला है तो गरीब को डायरेक्टली चांस मिलेगा, ठीक है। अब आता है अमीर की बारी, ठीक है, तो गरीब अगर बुलाएगा अमीर को तो क्या आ सकता है, तो बोले नहीं आता। सिंपल सी बात है, गरीब अमीर को जितना ही बुला ले नहीं आने वाला, ठीक है। अमीर लेकिन अमीर को बुलाएगा तो आ जाएगा, ठीक है, आ भी जाएगा, खाना वाना भी खाएगा, बदनामी भी करके जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है ही, तो ओके, अब आते हैं आगे। तो अब आता है क्या, लेकिन गरीब को गरीब बुलाएगा तब भी आएगा, अमीर बुलाएगा तो वो तो एकदम दो तीन दिन खाना ही नहीं खाता है। तो सच बात है ना कि हम देखे हैं ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सिंपल से बात समझ के कोडिंग प्रैक्टिस रखना है हम लोगों को। लास्ट एक और भी बोला गया, फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल। तो इसके लिए फाइनल कीवर्ड का इस्तेमाल लगाते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। 20, ये क्या है, फिक्स्ड तो वेरिएबल है, फिक्स्ड लेकिन ग्लोबल है, बट फिर भी याद रखिएगा नॉन स्टैटिक। तो क्या हम फिक्स्ड, मतलब कुछ लोग होते हैं कि नहीं मैं मांस मछली नहीं खाऊंगा, जाऊंगा लेकिन उसमें कंडीशन लगा रहता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों के लिए फाइनल, मतलब वो लोग अपने जगह से हिलेंगे नहीं लेकिन खाना तो खाएंगे ही, ठीक है। तो फिर से वही, गरीब बुलाएगा तो वैसे आदमी फिर से नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि नॉन स्टैटिक है। वापस पकड़ लीजिए कोड को वापस, ठीक है, ओके। अमीर बुलाएगा तब भी जाएंगे वो लोग, ठीक है, बट कोई भी चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, मॉडिफाई उसको नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए तो अब मेरा कोड हो गया, बोला यहाँ पे क्या, बोला यहाँ पे कौन से में मारा एरर, नॉन स्टैटिक वाला, मतलब इसमें प्रॉब्लम है। अमीर के घर में तो सब लोग जाता है, ठीक है, यहाँ तक कोड पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, एक बार रन करा कर देख लेते हैं। अच्छा रुक जाइए, प्रॉब्लम अभी भी है, ये तो ठीक है, यहाँ से पहले यहाँ पे कैसे जाएंगे। तो बोलेंगे क्या डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं, ये भी तो अमीर ही है, क्या हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, देखते हैं। फिर से वो एरर मार दिया, फन वन एक नॉन स्टैटिक फंक्शन है, मेथड बोलते हैं यहाँ पे, स्टैटिक से कॉल नहीं कर सकते, मतलब ये भी एरर ही है। अब लास्ट, ये तो समझ में आ गया कि इधर इधर सब समझ में आ गया, ठीक है, ये मेरा रिच की तरह काम कर रहा है यहाँ पे कोड, ठीक है। इतना दूर तक को रन करा लेते हैं पहले, हाँ जितना दूर तक हुआ हुआ, क्योंकि उस फंक्शन में नहीं गया, तो आंसर विल बी 3, 4, 12, 13, देखते हैं आंसर सही है कि नहीं। 3 + + 4, 4 प्रिंट हो गया, z का वैल्यू 12 + + 13, सही है। इधर तो जाता तो कोड काम करता है, ये था इसके बाद का क्लास का, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें कोड नहीं करेंगे आप, इसको रहने देते हैं कोड को, ये आप लोगों को भेज देंगे नेक्स्ट, ठीक है। फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, बोलिए सर। बोलছিলাম যে ওই কমান্ড প্রম্পটে কি করে ওটা রান করাবো কোডগুলো, ওটা আবার 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 ভাবো। मैंने बोला कि आपको, सुनिएगा ध्यान से, पहले तो क्लास का नाम क्या है, एक, क्या फाइल का नाम वही है, तो हाँ, ये पहला टेस्टिंग है, ठीक है। दूसरा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन तो करेंगे लेकिन चेक कर लेंगे कि मेरा फाइल कहाँ पे है, तो सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, AICT कोलकाता के अंदर, डेस्कटॉप के ऊपर है। आप अभी कहाँ पे हो, डेस्कटॉप के ऊपर नहीं हो, CD स्पेस डेस्कटॉप, पहले डेस्कटॉप पे पहुँच जाओ, उसके बाद जावा सी स्पेस सेकेंड डॉट जावा, कोड समझ में आ गया, जावा स्पेस, बोलो
বলছি যে ওটা যদি ডেস্কটপে না রাখি অন্য কোনো ড্রাইভে রাখি ওটা তো কোনো প্রবলেম হবে না? কোনো প্রবলেম নেই, তুমি ড্রাইভ কিভাবে চেঞ্জ করবে দেখো, ডি কোলন তো ডি ড্রাইভ মে চলা যায়গা, ই কোলন তো ই ড্রাইভ মে চলা যায়গা, উসকে বাদ সে ফির সে সিডি স্পেস, আগর কোই ফোল্ডার কে আন্দর হ্যায় তো ফোল্ডার কে আন্দর, ইয়ে ফোল্ডার কা নাম হ্যায় সিডি চেঞ্জ ডিরেক্টরি ফোল্ডার কা নাম, আগর বাহার নিকলনা হ্যায় ফির সে বাপস সি ড্রাইভ মে সি কোলন বাপস আ যায়ে ফির সে বাপস, ঠিক হ্যায়? तो ड्राइव चेंज करने के लिए ड्राइव का नाम कोलोन देके इंटर, और इस अगर फोल्डर के अंदर जाना है तो सीडी स्पेस फोल्डर का नाम, और सीडी अगर बाहर निकलना है सीडी डॉट डॉट, ठीक है? समझ में आया? ओके सर, ठीक है। तो एआईसीटी कोलकाता सीडी स्पेस डेस्कटॉप, चलिए हमको उससे मतलब नहीं है, ये तो लास्ट क्लास का अभी लास्ट वाला ही कोडिंग है। क्वेश्चन ये है हाउ टू एक्सेस, मतलब आप समझिए जो लोग जितने लोग भाव दिखा रहे हैं यहाँ पे इसको दिक्कत नहीं है, दिक्कत जहाँ जहाँ है उसको। हाउ टू एक्सेस, हाउ टू एक्सेस नॉन स्टैटिक वेरिएबल एंड नॉन स्टैटिक फंक्शन फ्रॉम स्टैटिक, मतलब मेन फंक्शन कैसे कॉल करेंगे या फिर कैसे यूज़ करेंगे, मुझे तो यूज़ तो करना होगा, ठीक है? तो वाई को तो यूज़ कर ही सकते हैं। अच्छा रहने दीजिए वो सब कोड को, रहने दीजिए जहाँ जहाँ इसको, रहने दीजिए जो था वही रहने दीजिए। मुझे इसको ये एक्सेस करने में प्रॉब्लम था, इसको एक्सेस करने में प्रॉब्लम था, और इस फंक्शन को एक्सेस करने में प्रॉब्लम था। तो बोला गया कि आप सोचिए गरीब के बुलाने पे अमीर लोग में भी ना आए। अब मान लीजिए आपको कुछ नहीं करना है, गरीब को नहीं बुलाना है ना ही अमीर को बुलाना है, आप एक सेलिब्रिटी को बुला लीजिए, देखिएगा सब लोग फिर से आ जाते हैं, देखे हैं ना? तो वही है, तो मतलब आप अब क्या करना है, सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं ऑब्जेक्ट, इसको अब कि जावा में कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये था क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी इज इक्वल्स टू न्यू दे के वापस फिर से क्लास का नाम, ये होता है जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका। सी न्यू कीवर्ड का कि नया नया क्रिएट करो, अगर एग्जिस्ट नहीं है, अगर एग्जिस्ट करता है तो दोबारा मत क्रिएट करो, उसी पे ओवरराइट करो। तो ये दोनों में जो हमारे सी में एम्परसन, जो स्कैनएफ में एम्परसन साइन का काम था वही न्यू कीवर्ड का काम है कि न्यू मेमोरी ब्लॉक करो इफ़ नॉट क्रिएटेड, यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। अच्छा सी प्लस प्लस में कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, बस क्लास का नाम ऑब्जेक्ट का नाम। लेकिन दिक्कत उसमें क्या होता है, वो जब जब असाइन करते हैं तो पता भी नहीं चलता, ठीक है, कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है नहीं है। अगर दोबारा एग्जिस्ट करने का कोशिश करेंगे इसमें तो एरर मारेगा कि ऑब्जेक्ट वन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है? तो ये सब बहुत अच्छा चीज़ है इसका पाइथन, तो मैंने जावा का। तो हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, किसको क्या बोलते हैं बाद में समझेंगे। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक तरह से सेलिब्रिटी, जो कि कंपनी, जो भी कंपनी है उसका मेन अध्यक्ष, मतलब मेन आदमी, वो गरीब को बोल, क्योंकि भाई AICT में समझ लीजिएगा, AICT में कोई ब्रांच मैनेजर है, मानते हैं ब्रांच मैनेजर, किसी एम्प्लॉय के संग उसका झगड़ा हो गया या फिर सैलरी कट गया उसका, बुला रहा है कि आ जाओ, मैं जो भी प्यार से बात करने के लिए जो भी नहीं आएगा, कोई कोई होता है ना कि भाई नहीं जाएंगे, वक्त मैनेजर बुला रहा तो क्या हुआ, लेकिन कंपनी का बॉस आ रहा है अब तो उसको आना ही होगा, ठीक है? तो अब मेरा ऑब्जेक्ट है ये, एक तरह से मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सीधा क्लास से उसको लिंक है, ठीक है? अब सबको ही आएगा, देखते हैं, ये भी आने वाला है, OB1 डॉट शुरू हो गया, क्योंकि कौन बुलाया है, ऑब्जेक्ट के द्वारा वाई को एक्सेस करेंगे। क्या y क्या था वैसे, y था एक ग्लोबल वेरिएबल, तो OB1 डॉट वाई प्लस प्लस, उसको इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और इंक्रीमेंटेड डेटा भी फिर से वापस प्रिंट कर सकते हैं, इसको तीन लाइन में भी प्रिंट करिए ताकि साफ सुथरा दिखे। तो ये था कोड हाउ टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है? लेकिन नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ऐसे समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ तक ये कोड है, ठीक है?
बिल्कुल सेम तरीके से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इस फिर से वापस लगे, फिर से वापस सेम चीज़, ये नॉन फिक्स्ड फिक्स्ड ग्लोबल नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, ob1.p। अब ये कैसा था, ये मैं बोला कि मांस मच्छी नहीं खाने वाला, चाहे वो कंपनी का बॉस ही क्यों ना है, मांस मच्छी नहीं खाने वाला है, तो मतलब दैट मीन्स इंक्रीमेंट नहीं, मैंने मॉडिफाई उसको नहीं कर सकते, यहाँ पे एरर खाएगा ही, लेकिन फिर भी लिख के देख लेते हैं क्या एरर मारेगा, पहले इतना दूर तक तो करें। क्वेश्चन क्या था, हाउ टू एक्सेस कंपाइल, कहाँ पे मारा, पी प्लस प्लस में, कैन नॉट असाइंड अ फाइनल वेरिएबल, मतलब ये चेंज नहीं कर सकते, आप दोबारा प्रिंट कीजिए कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब लास्ट है कि फंक्शन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो ob1. ठीक है, तो नॉन स्टैटिक फंक्शन मेथड, हाउ टू एक्सेस नॉन स्टैटिक मेथड, तो ob1 से उसको भी मैं कॉल कर सकता हूँ, एक बार देख लेते हैं। अब मेरा पूरा कोड हो गया, अब आउटपुट मिलाइए कि आउटपुट आया या नहीं आया, वापस शुरू कहाँ से होगा, शुरू यहाँ से होने वाला है, पहले लोकल 3++4, तो इतना दूर तक तो कोड काम करना ही चाहिए, 3 4 यहाँ तक कोड काम कर गया। अब y को भी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि जो है तो ग्लोबल था, तो y का वैल्यू क्या था, y 10, तो 10++11 ठीक है, यहाँ तक कोड कंप्लीट। अब स्टैटिक, तो स्टैटिक कितना है, 12 और 13 ये भी ठीक है, 12 और 13 ये भी ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बोला गया फिक्स्ड, वो भी ठीक है, 20 आ गया, ये भी ठीक है। अब आते हैं दूसरा, अब फंक्शन के अंदर घुसना है, यहाँ तक ठीक है, हेलो वाई का वैल्यू क्योंकि ग्लोबल है, तो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भी नॉन स्टैटिक है, वो भी नॉन स्टैटिक है, तो हेलो 11 बोला, 10 क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका है, समझे ना, ग्लोबल है ना, तो ग्लोबल तो मेरा हर जगह एक्सेस होगा, तो मेरा ऑलरेडी इंक्रीमेंटेड हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे 11 प्लस प्लस 12 ठीक है, ओके वाह, अच्छा दो बार हम लिख दिए हैं, प्लस प्लस 12 प्लस प्लस 13 ठीक है, देखते हैं, हेलो 11 एक साथ प्लस प्लस 12 और 13 यहाँ तक कोड कंप्लीट हुआ। बोला जेड प्लस प्लस कौन सा है, सॉरी जेड का वैल्यू पहले, तो जेड का वैल्यू ऑलरेडी इंक्रीमेंटेड है, जेड का वैल्यू ऑलरेडी इंक्रीमेंटेड है, मतलब कितना था, 12 था, 13 हो चुका है, तो प्रिंट होगा, तो पहले 13 प्रिंट करके 14 होके 14 भी प्रिंट कराएगा, 13 हो गया 14 भी प्रिंट किया। अब लास्ट पी का वैल्यू ठीक है, तो 20, तो 20 का 20 ही प्रिंट करेगा क्योंकि वो मॉडिफाई नहीं हुआ, तो दोनों का दोनों सही ना। तो ये था मेरा लास्ट क्लास का सारा चीज़, ठीक है, मैं इसको पहले यहाँ पे क्लोज कर दे